जीटीवी के सीरियल इश्क सुभान अल्लाह ने कह दिया है अपने दर्शकों को अलविदा और अपने शूट के आखिरी दिन में ईशा सिंह यानी जारा ने बयां किए अपने सारे हैप्पी मोमेंट्स। शूट के आखिरी दिन कैसा लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जब मैं ऐसे ब्रेकडाउन हो रहा था, रोना आ रहा था, बट मैं उनको कंट्रोल कर रही थी। इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ जारा से, तो डिफिकल्ट बहुत। और आप सबको बताओगे एक वक्त के लिए मैं इस शो का हिस्सा नहीं थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊँगी, लेकिन मैं वापस आई। आई एम सो ग्लैड कि मैंने शुरू किया था ये शो और मैं ही ख़त्म कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है बताना बहुत डिफ़िकल्ट है। बटरफ्लाइज फील हो रही हैं, हर कोने में कुछ ना कुछ याद है, बहुत सारी यादें हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट। सॉरी, किसको सबसे ज़्यादा मिस करोगे? आई थिंक एवरी वन। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मैं एक का नाम लूँ कि मैं इसको सबसे ज़्यादा मिस करूँगी। और मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं हर एक डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। हर एक का बहुत स्पेशल प्लेस है मेरे दिल में, सबने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं सबको ही बहुत मिस करूँगी। किसी एक का नाम लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक अच्छी और बुरी आदत आपके कोस्टार की, अदनान की सबसे अच्छी आदत यह है कि इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। एक बुरी आदत नहीं कहूँगी, लेकिन कई बार वो सुनता नहीं है बातों को, तो मैं उसकी बात को बुरा मान जाती हूँ, बट नथिंग बैड, कोई बुरी आदत नहीं है, ही इज़ अ गुड पर्सन। सॉरी गाइज, मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रही हूँ, जस्ट ट्राइंग कि मैं ऐसे कंट्रोल करूँ अपने इमोशंस। आई डोंट वांट टू हैव अ ब्रेकडाउन बिकॉज मैं जहाँ बैठी हूँ, मुझे इस शो को करते हुए लगभग 3 साल हो गए, ऑन एंड ऑफ, अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत सुंदर मेमरीज थी, तो आज यकीन नहीं हो रहा है कि ये शो ख़त्म हो रहा है और आज मेरा आखिरी दिन था। खैर, सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता था? आई थिंक अदनान और मेरे अब्बा बहुत मस्ती करते थे। सबसे ज़्यादा प्रैंक कौन करता था? अदनान। सबसे ज़्यादा रीटेक्स कौन लेता था? कोई भी नहीं, एक्चुअली कोई नहीं। हम लोगों को लगता है कि हमें एक और रीटेक की ज़रूरत है, हम बोल देते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी कि सब रीटेक ले रहे हैं, तो कोई भी नहीं। सबसे ज़्यादा मेकअप में टाइम कौन लगाता था? आई थिंक सबको इक्वल टाइम लगता था, हमारे यहाँ लड़के हों या लड़की लड़कों के बाल बनने में टाइम लगता था, लड़कियों का अलग टाइम लगता था, तो सबका इक्वल टाइम। एक यादगार मोमेंट ऑन सेट, एक इन इतने सालों में एक मोमेंट बताना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुझे अभी जो याद आ रहा है वो ये है कि हमारे पीछे एक चेयर है जिसकी मैंने अभी, अगर आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो मैंने स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे, डाली थी, आप लोग पता नहीं कब देखेंगे, जिसे मैंने रेड सूट पहना है। वो मेरे मॉक शूट का दिन था, 1 दिसंबर 2017, तो मैं इस चेयर पर बैठी थी और मैंने अभी एक फ़ोटो खिंचवाई थी। उस टाइम मैं फ़ाइनल नहीं हुई थी इस शो के लिए, मैं सिर्फ एक देखने आई थी, एक मॉक शूट था, तो आई थिंक वो मैसेज आपके फैंस के लिए, सारा से अलविदा हो रहे हैं आप लोग, लेकिन प्लीज़ कभी दिल से अलविदा मत कहिएगा, मुझे हमेशा ऐसी सपोर्ट करती रहेगी सारा, आपके दिलों में ऐसी ही रहेगी, तो कोशिश करती हूँ कि ईशा भी वहीं रहेगी। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस, थैंक्स। तो उम्मीद करते हैं कि ईशा सिंह बहुत जल्द हमें किसी नए किरदार में एंटरटेन करती नजर आएंगी। आज तक ब्यूरो।